हॉस्पिटल जा रहे हो? दुर्गा, रोज हॉस्पिटल ही तो जाता हूँ। नहीं, मैं सोच रही थी कि अगर आज तुम थोड़ा वक्त, आई मीन टू से, अगर आज तुम थोड़ा जल्दी फ्री हो जाते हो तो कहीं बाहर चलते हैं, इकट्ठे लंच करते हैं, क्यों? दुर्गा, आज तो फुर्सत मिलने का सवाल ही नहीं पैदा उठता। शाम को जल्दी आने की कोशिश जरूर करूंगा, बड़ा कैन प्रॉमिस। ओके आर्यन, एक दिन थोड़ा वक्त निकालने की कोशिश तो कर ही सकते हो ना तुम। दुर्गा, तुम्हें तो पता ही है, एक बार मैं हॉस्पिटल चला जाता हूँ तो मेरे पेशेंट्स पे कुछ छोड़ते ही नहीं, एंड आज तो अपॉइंटमेंट्स भी कुछ ज़्यादा ही हैं, बट वील डेफिनेटली डू इट सम अदर डे, प्रॉमिस। ओके पता नहीं आज आर्यन का क्या प्लान है, फोन करके देखती हूँ। हेलो, या मिस्टर आचार्य, हाउ आर यू? हाँ, आपकी रिपोर्ट्स आ गई होंगी, आई विल जस्ट चेक इट आउट, वन सेकंड। फोन उठाओ आर्यन, प्लीज फोन उठाओ। मिस्टर आचार्य, एक मिनट, आई जस्ट गिव इट यू। दुर्गा, प्लीज डू मी अ फेवर। हाँ। मेरी डायरी में कल की डेट में एक एड्रेस लिखा है, वो जरा दे देना प्लीज। वन सेकंड। हाँ, सत्या लैब्स, 24 क्रॉस रोड्स। मैंने आपसे कहा था ना, सत्या लैब्स 24 क्रॉस रोड्स। ओके, कलेक्टेड फ्रॉम देयर। थैंक्स, बाय। ये एम कौन है? अभी अभी आर्यन के सेल पर भी एम ही फ्लैश हो रहा था। डायरी में भी आर्यन ने किसी एम से ही मिलने के बारे में नोट किया हुआ है। एम, एम से कौन हो सकता है? यहाँ आओ ना। मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा तुम्हें हाय करते चली जाऊँ। आई होप मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। अरे नहीं, डिस्टर्ब किस बात का, तुम बल्कि ठीक टाइम पर आई हो, मैं इस वक्त ब्रेक ही लेने वाला था। दैट्स ग्रेट, इसका मतलब है एक कप कॉफी के लिए आपके पास टाइम है। श्योर, आओ ना, कॉफी इधर ही पड़ी है, प्लीज कम, आओ बैठो। वैसे समय तो लंच का हो गया, तुम ठीक टाइम पर आई हो, लंच करना चाहोगी? अरे भाभी जी, आप और यहाँ? हाँ, आज मेरा ऑफ है। अच्छा। आर्यन तो काम से वक्त नहीं निकाल पाते, तो सोचा मैं ही हॉस्पिटल आती हूँ, कम से कम लंच तो इकट्ठे कर सकते हैं। करेक्ट। वैसे आर्यन है कहाँ? अरे आर्यन के राउंड तो सारे खत्म हो चुके हैं, अभी तो केबिन में देखा था उसे, वही होगा। I'm so sorry, sorry. वॉश बेसिन उस तरफ है। Sorry. डॉक्टर आर्यन, आपको डॉक्टर देशमुख बुला रहे। हाँ, मैं आता हूँ। ओके। मुस्कान, मैं खुशी, तुम मुझे मुस्कान बुला सकते हो। ओके। मुस्कान, मैं जरा किसी काम से जा रहा हूँ, तुम मुझे कैफेटेरिया में ही मिलो, आई विल सी यू देयर।
कहाँ है आर्यन? जरूर किसी पेशेंट को देखने गए होंगे। मैं यहीं बैठकर इंतजार करती हूँ। कहीं आर्यन लंच के लिए तो नहीं चले गए? ओह नो, इसका मतलब है वो जरूर कैफेटेरिया में होंगे। कैफेटेरिया। ये मुस्कान को इतनी देर क्यों लग रही है? मुस्कान, इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? बस वो मैं, खैर छोड़ो, खाना ऑर्डर कर चुका मैं, चलो। मुस्कान, वैसे ओपनर रेस्टोरेंट का आइडिया अच्छा है, हवा भी खाओ और खाना भी खाओ। हाँ, पहले तो ऐसे लग रहा था जैसे अभी बारिश होने वाली है और अचानक बादल हट गए। मौसम कितना अच्छा है ना। अगर मैं ही थोड़ा जल्दी आ गई होती तो शायद मैं आर्यन से मिल पाती। आर्यन अकेले तो नहीं है, कोई है उनके साथ? कौन है? कहीं वो एम? खाना एंजॉय किया? कुछ और खाओगी? नहीं। तो फिर चले, मुझे बहुत काम है। आर्यन, तुम्हारा फोन, यही छोड़कर जाओगे क्या? ओह थैंक्स। मुस्कान, एक बात कहूँ? हाँ? हमें इसी तरह मिलते रहना चाहिए। हाँ, मैं तुम्हारी ये बात याद रखूंगी। अरे याद से मुझे एक बात याद आई कि तुम मुझे एक किताब देने वाली थी। ओ यस, वो मेरे कार में पड़ी है, मैं अभी लाके देती हूँ। तो एक काम करो, सीधा कैबिन ले आओ, मैं वहीं जा रहा हूँ। ओके। तो हो गई अपने बॉयफ्रेंड से तुम्हारी मुलाकात और बातें? हाँ यार, लेकिन वक्त कितना कम था। प्यार में पल बहुत जल्दी बीतते हैं। तो चले, अब की यहीं बैठने का इरादा है। हेलो। अरे अभी अभी तो मिले थे, फिर फोन कर दिया। हाल तो कुछ मेरा भी वैसा ही है। ओके बाय, लव यू। ओह गॉड, फिर से शुरू हो गई तुम्हारी लव टॉक। चलो मालिनी, देर हो रही है। मालिनी, एम, एक्सक्यूज मी, दुर्गा तुम यहाँ क्यों? मुझे यहाँ देखकर हैरानी हो रही है। हाँ वो मैं तुम्हें एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ना, पता नहीं था कि तुम आने वाली हो। हाँ, और वो भी तब जब तुमने मुझे साफ साफ कह दिया था कि तुम बहुत बिजी हो और मेरे लिए तुम्हारे पास बिल्कुल वक्त ही नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो दुर्गा? ठीक ही तो कह रही हूँ आर्यन, तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त हो ना हो, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लंच करने के लिए वक्त है ना। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या कह रही हो? समझ कर भी ना समझ क्यों बन रहे हो आर्यन? मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम मुझसे अपनी फोन कॉल छुपा सकते हो, डायरी में लिखे हुए नोट्स भी छुपा सकते हो, लेकिन जो मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे इनकार नहीं कर सकते। दुर्गा स्टॉप इट, तुम खामखा कुछ भी बोलते चली जा रही हो। आर्यन वो कौन थी? चुप क्यों हो? वो थी तुम इसके साथ थे, खुशी के साथ? तुम ये कहना चाह रहे हो कि वो लड़की खुशी थी? हाँ दुर्गा, मैं सच कह रहा हूँ, खुशी यहाँ पे आई तो लंच टाइम हो गया था,
इसलिए हमने सोचा कि साथ में लंच कर लेते और तुम शह तो आज आर्यन और तुमने इकट्ठे लंच किए और रोज वो तुम्हें इसी तरह कहीं ना कहीं मिलते हैं। इसका मतलब है आर्यन आजकल अपने काम को छोड़कर तुम्हारे साथ वक्त बिताने लगे। क्यों? तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि तुम ही एम हो। क्या तुम ही एम हो? बोलो, चुप क्यों हो? क्यों आर्यन, क्यों तुम खुशी को इस झूठ का हिस्सा बनाना चाहते हो? जरा देखो इसकी तरफ, साफ पता चल रहा है कि वो तुम्हें बचाने के लिए झूठ बोल रही है। दुर्गा, आर्यन झूठ नहीं बल्कि सच कह रहे हैं। तुम चुप रहो खुशी, तुम्हें आर्यन की साई लेने की कोई जरूरत नहीं है। एंड लेट मी मेक इट वेरी क्लियर टू यू, ये आर्यन और मेरी बात है, सो प्लीज डोंट इंटरफेयर। मैं तो सिर्फ आर्यन की मुंह से सच्चाई सुनना चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि आर्यन भी इतने बड़े बड़े झूठ बोल सकते हैं। दुर्गा, तुम खामखा राई का पहाड़ बना रही हो, कुछ बात है नहीं और तुम तमाशा क्रिएट कर रही हो। ओ, तुम्हें अब फिक्र हो रही है इस तमाशे की? आर्यन, तुम्हें इसके बारे में तब सोचना चाहिए था जब तुम अपने एम के साथ मुलाकातें कर रहे थे। आर्यन, दुर्गा को गलत फहमी हो रही है, तुम्हें उसे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। क्या बता देना चाहिए? यही कि जिसको तुम आजकल मिल रहे हो वो एम मैं ही हूं, मुस्कान। और उससे क्या होगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे। मुस्कान, मैं सिर्फ एक सच जानता हूं और वो सच ये है कि कोई अफेयर नहीं चल रहा मेरा, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। और ये सब मैं दुर्गा को नहीं बताना चाहता कि तुम मुस्कान हो, तुम पिछले जन्म से आई हो, क्योंकि इससे अननेसेसरी और कंफ्यूजन होगा। नहीं मुस्कान, मैं दुर्गा से कुछ नहीं कहने वाला, उसे विश्वास होना चाहिए मेरी बातों पर। और अगर दुर्गा को मेरी बात पर विश्वास नहीं तो ना सही। कितना समझाया था मैंने खुशी को कि बाहर मत जाओ बेटा, कहने लगी मैं बोर हो रही हूं मन्ना घर पर। अब मैं क्या करती? अब देखो मैं यहां परेशान बैठी हूं, लगता है बारिश भी होने वाली है। पता नहीं इस वक्त वो कहां चली गई, उसके साथ कोई होता तो आंटी आप मुझसे कह देती, मैं चला जाता उसके साथ। मैंने उसे कहा भी था कि बॉबी, गीता या ध्रुव को साथ ले जाओ, कहने लगी सब अपने काम में इतने बिजी है तो। पर मैं तो हाँ, एक्चुअली बिजी तो मैं था। अच्छा आंटी, अब मैं चलता हूँ, ये डिजाइन्स खुशी को देने थे। ये डिजाइन्स? हाँ, वो ऑफिस में एक नए प्रोजेक्ट के लिए कुछ डिजाइन सबमिट करने थे। खुशी तो ऑफिस में आती है नहीं, तो उसके डिजाइन मैंने ही बना दिए। कहना कि अगर डिजाइन टाइम पे सबमिट नहीं करते तो उसके लिए प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करना मुश्किल हो जाता है। बट इट्स ओके नाउ, देयर इज नथिंग टू वरी, ये डिजाइन भी ओके हो गए एंड शी कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोजेक्ट। थैंक यू बेटा, मैं उसे दे दूंगी। ध्रुव, खुशी की किस्मत बहुत अच्छी है कि उसे तुम जैसा दोस्त मिला है। आई होप उसे भी ये एहसास हो। आई होप सो।
परीक्षित, तुम तो मर चुका हूं, जानता हूं दीवान, लेकिन एक अधूरी इच्छा मन में लिए हुए है दीवान, तुमसे बात करने की इच्छा। तुम्हें याद है दीवान, उस हादसे के पहले मैंने तुमसे कहा था कि मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है खुशी के बारे में, और मैं वो बात तुम्हें बताने के लिए बेचैन था। खुशी के जन्म के पीछे और खुशी के जीवन के पीछे वो कौन सी कहानी है, वो कौन सा रहस्य है दीवान, तुम्हें जानना होगा। आज मैं तुम्हें बताऊंगा। परीक्षित, परीक्षित, ये मुझे क्या हो रहा है? कल मुझे ऐसा लगा कि घर में कोई है, और आज मैंने परीक्षित को अपने सपने में देखा, जैसे वो सपना कम सच्चाई ज्यादा लग रही थी। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे परीक्षित सच में मेरे पास बैठा है, वो मुझे कुछ बताना चाहता है। क्या कह रहा था वो? हाँ, शायद खुशी के बारे में कुछ कह रहा था, पर क्या वो वाकई मुझसे कुछ कहना चाह रहा है, मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है? क्या ये सच था या महज एक सपना था? परीक्षित सच में यहां आया था?